मुरादाबाद में एक दिवसीय दौरे पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पहुंची। यहां उन्होंने सबसे पहले डिजाइन को फॉर्म और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का निरीक्षण किया और वहां काम कर रहे कारीगरों से बातचीत की। इसके बाद राज्यपाल आनंदीबेन पटेल कृषि प्रशिक्षण केंद्र पहुंचे और जैविक वाटिका का उद्घाटन किया और जैविक खेती करने वाले किसानों से बात की। उन्होंने वहां मौजूद गायों को गुड़ खिलाया। इसके बाद राज्यपाल आनंदीबेन पटेल सदर तहसील पहुंची और वृक्षारोपण किया और साथ ही तहसील दिवस में पहुंचकर फरियादियों की शिकायतें भी सुनी। राज्यपाल ने संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने एक जिला एक उत्पाद के जरिए मुरादाबाद में पीतल उद्योग के लिए जो काम किया है उसकी जानकारी उन्हें थी। राज्यपाल के मुताबिक पीतल कारीगर सिर्फ एक कला नहीं है बल्कि इसमें एक संदेश भी है। पीतल उत्पादों पर फूल पत्तियां और अन्य कलाकृतियों की तारीफ करते हुए राज्यपाल ने पीतल कारीगरों को सराहा, साथ ही राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं से खुद को जोड़ने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने कहा कि कारीगरों द्वारा बताया गया कि उन्हें पेंशन कम मिलती है, पेंशन को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री से बात करेगी जिसे कारीगरों की पेंशन बढ़ाई जाए। मुरादाबाद से संवाददाता बाजी दली की रिपोर्ट। सुना था कि मुरादाबाद में प्रयास का बहुत ही अच्छा काम हो रहा है और जो राज्य सरकार ने एक जनपद एक प्रोडक्ट के लिए जो प्रयास किया है इसमें प्रयास का काम जो मुरादाबाद में हो रहा है वो भी मैंने वहां से पता चला। तब मैंने सोचा कि जब मुरादाबाद में जाएंगे तब वो सभी कलाकारों हम देखेंगे। ये देखने के बाद जब तक हम नहीं देखते तब तक इसका मूल्य हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन जब ये देखा तो इतनी बारीकाई से काम हुआ है और सिर्फ काम नहीं है इसमें मैसेज भी है। कहीं पत्ते हैं तो कहीं भगवान को भी खाया गया है और ये पुराने समय से आती हुई जो कला है उसको आप लोगों ने आगे बढ़ाया, निर्यात भी हो रहा है और राज्य और केंद्र सरकार की ओर से आप सबको ये काम के लिए अवार्ड भी प्राप्त हुआ है। ऐसे अवार्ड को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। ये काम करने में कहीं चार दिन लगता है, कहीं चार दिन लगता है, कभी महीने भर भी लगता होगा। ये सभी काम बहुत ही दिवस का काम है और संपूर्ण ध्यान आपका ये करते समय नहीं रखते तो शायद डिजाइन भी बदल जाएगा, लेकिन कहीं भी इधर उधर कुछ नहीं हुआ और इसकी वजह से आप सबको बहुत बहुत बधाई है मित्रों। और ये जो हमारी धरोहर है वो मिटने नहीं चाहिए, वो आगे आगे बढ़ती जाना चाहिए, समाप्त नहीं होनी चाहिए। आप ही प्रयास करिए, राज्य सरकार और केंद्र सरकार भी प्रयास कर रही है। एक विषय आपने मेरे ध्यान में रखा आपके बारे में, तो बीच में आंख चेकअप के लिए प्रयत्न आप करते ही होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं करते होंगे, लेकिन प्रयास करना चाहिए आंख को बचाने के लिए। दूसरा आपने मुझे बताया कि जो पेंशन मिलता है वो कम मिलता है, प्रयास करेंगे। सीएम तो सबकी सुनते हैं और जब मांग होती है तो उसके बारे में भी कुछ न कुछ आगे बढ़ाते हैं, तो ये बात भी वहां तरक्की जाएगी। आज पूरा परिवार उसमें लगा हुआ है, चाहे कहीं भी पर आए हो लेकिन इसमें दिलचस्पी है।
ज्यादातर इस क्षेत्र में जो परिवार है तो उसकी जो नई पीढ़ी है वो कभी कभी लंदन पढ़कर आती है, कभी इंग्लैंड से पढ़कर आती है, तो उसको लगता है कि इसमें क्या है भाई, मैं तो यूएसए में बस जाऊंगा, सेटअप हो जाऊंगा, लंदन में ही रहना है। लेकिन मैंने देखा कि पढ़ने के बाद हुई उन्हीं काम में परिवार के जो काम है वो इसमें वो लगे। यही हमारे जो संस्कार है, हमारी संस्कृति हो, वो दिखाई पड़ती है इसमें कि ये हमारा परंपरा है, हमारी कला है, हमारी संस्कृति है, इसको हम छोड़ेंगे। आप सब को मिलकर बहुत ही खुशी हुई। हाँ, 25,000 इसमें काम करते हैं और इसमें क्या है, एक लकड़ी का, क्या बोलते हैं उसको, डंडा, लकड़ी का डंडा चाहिए और एक लकड़ी, छोटी सी लकड़ी के आगे एक कलम चाहिए, पैटल की कलम चाहिए, सिर्फ 2 ही साल और इसमें इतनी अद्भुत कला है, समाई थी। लेकिन वो आपके दिमाग में है, ये आपके दिमाग में है, आपके हाथ में है, हम करेंगे तो इधर इधर हो जाएगा, लेकिन आपके हाथ में, आपके मन में, आपके दिल में ये अच्छा बनाने के लिए जो प्राण है वो ही अच्छा बना देता है और वो ही एडवर्ड एवर्ड दिलाता है। तो आप सबको बहुत ही बधाई, परिवार की तरह आप सब रहते हैं, काम करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। और मुझे भी बहुत ही खुशी हुई कि सब देखने को मिला मुझे इधर, और आपने भी मुझे कहा है, वो तो आपने बता ही दिया कि आज ही जाओ कल ही जाओ, इसमें देर मत करना, देर मत करो, देर मत करो। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden, world-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।